मौसी, भाभी कैसे भैया? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, कब से पूछ रहे हैं हम। भाभी, भैया मीटिंग के लिए कहाँ जा रहे थे? ऑफिस की मीटिंग थी। दिल्ली के बाहर यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ तो क्या आगरा जा रहे थे रात में? हाँ माँ, पास में ही जा रहा हूँ, जाना जरूरी है क्योंकि सारा प्रेजेंटेशन मुझे ही करना पड़ता है। ये लोग कुछ बताए तो पता चले ना। मैडम बताइए ना, मैडम मैडम बताइए ना, आदित्य सक्सेना कहाँ पे एडमिट किया है, कौन सा रूम नंबर है? 43 सर। हेलो, ओके प्लीज दो मिनट। इंसानियत आपकी चीज है कि नहीं? कब से पूछ रहे हैं आपसे, जवाब क्यों नहीं दे रही आप? कब से खड़े हैं हम यहाँ पर, एक जवाब नहीं दिया है आपने। मैम हमारा भी तो काम है। हाँ ना, रूम नंबर कुछ तो बताएंगी ना। ऐसा लगता है जैसे आपको हम दिखाई नहीं दे रहे, हमारी कोई बात सुनाई नहीं दे रही आपको। जवाब दीजिए, आदि सक्सेना ने कहा एडमिट किया है? भाभी मैं बात करती हूँ, एक्सक्यूज मी, आदित्य सक्सेना प्लीज देखिए ना। आदित्य सक्सेना, वही ना आगरा हाईवे का एक्सीडेंट केस? सुनिए सुनिए, आप लोग ऐसे सीधे अंदर नहीं जा सकते हैं। और वो औरत कौन है जो सीधे अंदर चली गई? कौन है मतलब? आदित्य सक्सेना की वाइफ है। वाइफ? ये वाइफ है तो फिर उनके साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो लेडी कौन है? कौन है मतलब? नाम नहीं पता लेकिन साथ थी उनके। अब लक्ष्मी, इट्स ओके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तुम भाभी के पास जाओ। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज आप इन्होंने जो बोला वो मंगल दीदी को मत बताइए। एक बार मुझे मेरे हस्बैंड को देखने दो प्लीज। अभी कोई नहीं जा सकता अंदर, आप लोग बाहर ही रुकिए। कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है? हमारा आदित, हमारा बेटा। अम्मा, हमारा आदित, अम्मा ये हमारा आदित। अम्मा संभालिए अपने आप को। बैठ जाइए, एक नजर हमारे बेटे को कोई हमें देखने क्यों नहीं देता? कोई हमारी सुनता क्यों नहीं? माता रानी करे हमारा बेटा सही सलामत हो, माता रानी रक्षा करे हमारे बेटे की। मौसी, कुछ नहीं होगा आदित भैया को। आदित आप पहले पानी पीजिए। आदित प्लीज। मम्मा प्लीज। भाभी आप भी। एक्सक्यूज मी, आदित्य सक्सेना से मिलना। नहीं अभी नहीं, बाद में। कोई कुछ भी क्यों नहीं बता रहा है? क्या हुआ आदित्य जी को, कैसे है वो? दीदी भाभी इनके रूल्स हैं, ये हमें ऐसे नहीं मिलने देंगे। मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। मैंने ही कहा था जल्दी आने के लिए, जरूर वो मीटिंग खत्म करके ना जल्दी घर आ रहे होंगे। अकेले थे, जाने कैसे क्या हुआ होगा, हमें उनको नहीं बोलना चाहिए था, टेंशन में गाड़ी चला रहे होंगे। अम्मा लक्ष्मी जाके जल्दी से कोई जूस लेकर आना, कहीं अम्मा का शुगर लो ना हो जाए। हाँ जा जल्दी।
दीदी को कैसे बताऊं कि जीजू अकेले नहीं थे, किसी के साथ थे। डॉक्टर, आदित्य ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? एमआरआई की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। वैसे ठीक है, रिलैक्स, आप आराम करिए। थैंक यू। लक्ष्मी, आपके रिलेटिव हैं ये? नहीं, पर मैं नहीं जानती। ओके, ठीक है, चलिए। क्या हुआ, तुम कब आई? सौम्य जी, आप जीजू के साथ मीटिंग में गई थी? जीजू ने तो कहा था कि वो अकेले जा रहे हैं, फिर आप उनके साथ कैसे आई? बताइए ना। डॉक्टर साहब, कैसे है वो? आदित्य जी के सर में चोट लगी है, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। एमआरआई किया है, उसकी रिपोर्ट के आ जाने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ज्यादा सीरियस? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, वो बच जाएंगे। लेकिन अगर गर्दन पे जरा सी लेफ्ट में चोट आई होती तो केस बहुत सीरियस हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नी उन्हें समय पे हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी मतलब? वो ठीक है, उनको ज्यादा चोट नहीं आई है। वो तो अच्छा हुआ कि वो हस्बैंड के साथ थी, तो समय पे अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले आई। क्या कहा डॉक्टर ने? कौन हॉस्पिटल लेकर आया था इनको? डॉक्टर ने किसको कहा इनकी पत्नी? कौन लेकर आया है उनको यह हॉस्पिटल? आदित्य जी अकेले नहीं आए थे? आप लोग मीटिंग के लिए आगरा जा रहे थे? नहीं, वो फिर यहाँ इतनी दूर हाईवे पर कैसे हुआ एक्सीडेंट? चल क्या रहा है सौम्या जी, साफ साफ बताइए। मैं आदित्य के साथ हर मीटिंग में जाती हूँ लक्ष्मी। ऐसे कपड़े पहनकर मीटिंग में जाती है? What nonsense? मेरे कपड़ों से क्या मतलब? और तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो जैसे कि कुछ? मैं बस सच जानना चाहती हूँ। चल क्या रहा है सौम्या जी, बताइए ना सौम्या जी। मंगल, आप आदित्य जी के साथ थी जब एक्सीडेंट हुआ? मैं जानती हूँ सौम्या जी, आपने क्या किया। Thank you.
थैंक यू शोभा जी, थैंक यू, आपने मेरे आदित्य को बचा लिया, उनकी जान बचा ली। माता रानी की कृपा है, लाख लाख शुक्र है उनका कि आप उनके साथ थी। अगर आप उनको तुरंत हॉस्पिटल नहीं लेकर आती तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू सो मच जी, डॉक्टर ने कहा कि समय रहते उनको यहाँ ले आने से उनकी हालत बिगड़ी नहीं, वो बच गए। आपको डॉक्टर ने बुलाया है, सब ठीक? अब ये बुढ़िया छोड़ेगी नहीं। आज जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। क्या इतनी रात को मीटिंग के लिए जाना, काम करना, क्या जरूरत है? अगर तुम लड़की होकर इतनी देर रात काम करने के लिए मान जाओगी तो हमारा आदित्य क्या करेगा? वो तो एक लड़का है ना, रात बेरात उसे भी मीटिंग करनी ही पड़ेगी ना। इस शहर में रहते हुए इतना रिस्क क्यों लेती हो? आगे से मना कर देना, समझी? अधूरी चोट मतलब? अभी पेशेंट को होश नहीं आया है, बाहर से कोई गहरी चोट नहीं है पर हो सकता है कि अंदर से कोई चोट। क्या कहना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब? सर पे चोट लगने के कई इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या? चोट का प्रभाव उनकी याददाश्त पे पड़ सकता है। हो सकता है कि वो आपको पहचान ना पाए। इसका असर एक दिन का भी हो सकता है और हो सकता है कि लंबा चले। हमें उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मत कहिए। माता रानी, हमारे बेटे की रक्षा करना। माता रानी करे हमारा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, सही सलामत हो। मौसी जी, कुछ नहीं होगा आदित्य भैया को, डॉक्टर सिर्फ बता रहे हैं। कहा ना उन्होंने, गहरी चोट नहीं लगी है, वो ठीक हो जाएंगे। हो जाएंगे। अभी मैं पेशेंट को देखने के लिए जा रहा हूँ, आप में से कोई एक मेरे साथ आ सकता है। आप वाइफ है ना उनकी? जी। आप आ जाइए। हे माता रानी, चीजू को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी मंगल दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये लो। लक्ष्मी, इस वक्त तुमको मंगल भाभी को संभालना होगा। अगर तुम खुद कमजोर पड़ जाओगी तो फिर कैसे चलेगा? मौसी जी को कौन संभालेगा? ये लो, मौसी जी को जरूरत है इसकी।
आंटी, आंटी प्लीज नहीं। आदित्य, आदित्य हाउ आर यू फीलिंग, कैसे हो आप? आपका घर कहाँ है? आप इन्हें जानते हैं क्या? आदित्य जी, आप ठीक हैं? डॉक्टर ये कुछ कह क्यों नहीं रहे? अभी इन्हें पूरे तरीके से होश नहीं आया है, या हो सकता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि इनकी याद। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। ऐसा होता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। आदि जी मैं, आपने पहचाना मुझे? आदि जी होश में आई है ना? आदि जी प्लीज, आदि जी देखिए मैं हूँ। मैम प्लीज, मंगल मेरी वॉच। जी फोन कहाँ है मेरा? मंगल जी, आपने मुझे बुलाया? मुझे बुलाया? ग्रेट, इन्होंने आपको पहचान लिया। आदि जी मैं मंगल, याद हुआ आपको? मंगल अम्मा, अम्मा बाहर ही है, बाहर बैठी है, बहुत परेशान हो गई आदि जी। वो आप जल्दी से ठीक हो जाइए, बस जल्दी से ठीक हो जाइए। डॉक्टर साहब एक बार अम्मा इनसे मिल सकती है, एक बार इन्हें देख लेंगी तो उन्हें चैन आ जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इनसे ज्यादा बातें मत कीजिएगा क्योंकि इनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे कोई खबर ही नहीं दे रहा था। तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ आ गई थी, आई वाज सो वरीड, मेरी तो जान ही निकल गई थी। थैंक गॉड यू आर ओके। नहीं मंगल को कुछ? अम्मा उन्होंने मुझे देखा और पहचान लिया। शिव जी का लाख लाख शुक्र है, हम कितना डर गए थे। भाभी हम मिल सकते हैं ना उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ज्यादा बात नहीं करनी, वो डॉक्टर ने कहा है। चलो चलो जल्दी मिलते हैं, आ जाओ। सबने मुझे देखा, बात भी हुई। देखना कितना बड़ा तमाशा होगा। नहीं होगा, यू डोंट वरी ओके।